हेलो नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे चैनल वी टेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है मूनलाइट और जो फ्लैश लाइट है फ्रंट में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो मूनलाइट है वो बेसिकली वीवो V3 से स्टार्ट हुआ, और वीवो का टर्म है अपनी जो फ्लैश लाइट होता है उसको V3 कहने का। और दोस्तों, फ्लैश लाइट तो आप जानते ही हो कि जो फ्रंट में एक लाइट सी होती है ब्लिंक, उसको फ्लैश लाइट कहते हैं। तो दोस्तों, जो फ्लैश लाइट होती है और मून लाइट होती है उसमें 100 से बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है। तो दोस्तों, जो मून लाइट होती है उसमें इमेज आपकी स्मूथ आती है, और दोस्तों फ्लैश लाइट में आपकी इमेज थोड़ी शार्प आती है। दोस्तों, ये एक बेसिकली मतलब कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपकी इमेज किस टाइप की बने। अगर दोस्तों आपका कैमरा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होगा तो आपको अच्छी इमेज देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपका इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो आपको अच्छी नहीं मिलेगी इमेज देखने को। तो दोस्तों, जो वीवो है वो अपना जो फ्रंट कैमरा था उसमें काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके करता है फ्रंट कैमरा को। और दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा है वीवो का वो हमेशा ही अच्छा ही रहा है, क्योंकि दोस्तों वो सबसे ज़्यादा अपना जो काम होती है वो फ्रंट फ्लैश लाइट के लिए, मतलब कि अगर ऑप्टिमाइज्ड कैमरा अच्छा हो तो दोस्तों आपको इमेज भी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि आपको वीवो में देखने को मिलती है। और दोस्तों, बाकी जो स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो दोस्तों बहुत कम स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो कि अपने फ्रंट में फ्लैश लाइट दे, क्योंकि दोस्तों ये इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बजाय इमेज को थोड़ा बिगाड़ने का ही काम करती है कई कैमरा, अगर ऑप्टिमाइज्ड ना हो तो। दोस्तों, अगर कैमरा ऑप्टिमाइज्ड हो तो ये हमेशा बेटर रिजल्ट ही आपको लाएगी। अगर दोस्तों आप बात करें कि जो फ्लैश लाइट होती है वो कितने टाइप की और क्यों यूज़ की गई थी, तो दोस्तों जो मतलब कि बेसिकली फ्रंट में फ्लैश लाइट दो टाइप से आती है। तो दोस्तों, फर्स्ट होती है एक एलईडी बल्ब, जो कि आपके कैमरा के साथ में एक पोर्शन होता है उसमें लगा होता है, और दोस्तों वो आप जब ब्लिंक होता है तो आपके साथ मतलब कि एक फ्लैश लाइट छोड़ता है और आपकी इमेज को कैप्चर करता है कैमरा। तो दोस्तों इस तरह से एक मतलब की होती है। और दोस्तों, जो सेकंड टाइप की होती है वो स्क्रीन में होती है। तो दोस्तों, जो स्क्रीन में होती है वो आपकी होल स्क्रीन में होती है। तो दोस्तों, उसमें जो आपकी स्क्रीन होती है वो पूरी मतलब कि वाइट कलर की हो जाती है और आपकी इमेज खींचती है। तो दोस्तों, बेसिकली ये यूज़ मतलब कि डार्कनेस में की जाती है, और दोस्तों डार्कनेस में काफ़ी अच्छी भी लगती है, अगर मतलब कि अगर आप डार्कनेस में इमेज खींचना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज़ के हमेशा मतलब कि फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों, इसके जो नुकसान होते हैं वो आपको पता ही है कि इमेज को उतना अच्छे से कैप्चर करने के बजाय इमेज को बिगाड़ देती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि काफ़ी कम स्मार्टफोन इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल निभाती है इसमें। और दोस्तों, जो इमेज का सॉफ्टनेस और जो शार्पनेस होता है उसके बीच में जो संतुलन बिठाना होता है वो काफ़ी मुश्किल रहता है, कि अगर आपकी प्रोसेसिंग अच्छी ना हो इमेज की तो दोस्तों आपकी इमेज थोड़ी अजीब सी लग सकती है, और दोस्तों आपका जो फ्रंट कैमरा है उसका पूरा चार्म ही बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कारण काफ़ी कम स्मार्टफोन में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, शाओमी भी इसमें से एक स्मार्टफोन है जो कि इसका यूज़ करता है। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन है, जैसे कि मोटो के स्मार्टफोन्स है, लेनेवो के स्मार्टफोन्स है, उसके बाद एसुस के स्मार्टफोन्स भी थे पहले जो कुछ मतलब कि इसका यूज़ करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।